गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आज क्या बन रहा है किचन में, चलो देखते हैं। चलिए, आज बन क्या रहा है किचन में? आज बन रहा है हरा मूंग का तड़का और पराठा, और दोपहर के लिए रोटी। आज कहाँ जाने का प्लान है? आज हम लोग जाने वाले हैं धनबाद का फेमस मार्केट, पुराना बाजार। नाइटी पॉइंट के बनेंगे। आज हम लोग जाने वाले हैं पुराना बाजार, यहाँ का सबसे रीजनेबल मार्केट है, अफोर्डेबल भी है। तो आप लोगों को दिखाएंगे वहाँ का व्यू कैसा है, क्या है और क्या क्या रेट है सारे चीज़ का, क्योंकि आज दीदी की डिलीवरी डेट भी आने वाली है ना, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ मार्केटिंग भी करनी है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं पुराना बाज़ार। तो ये पुराना बाज़ार इंटर करने का फर्स्ट रोड है, यहाँ से आप इंटर करोगे तो यहाँ का बहुत ही फेमस मार्केट है परिवार। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं और रोड के किनारे किनारे आपको कुर्तीज़ जो नॉर्मल रेट पे मिल जाएंगे, बर्तन है, फ्रूट्स वगैरह और बैग्स वगैरह भी काफ़ी मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप हैं, जैसे अभी ईद को लेकर बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं मार्केट में, तो आप लोग भी ज़रूर आए यहाँ का पुराना बाज़ार। जो धनबाद में रहते होंगे उन्हें तो पता होगा यहाँ का। यहाँ रोड साइड भी काफ़ी रिजनेबल रेट में कुर्तियाँ मिल जाती हैं, जो 150 से स्टार्ट होकर 1000 रुपीज़ तक रहती हैं, और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं जैसे लगाए हुए हैं। और ये बाज़ार की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें आपको A to Z जितने भी तरह के सामान चाहिए, ये पुराना बाज़ार में यही एक मार्केट है, यहाँ सारे चीज़ मिलती हैं। और मम्मी और दीदी की शॉपिंग कर रही है, डेली यूज़ के कपड़े का, दीदी को चाहिए था डेली यूज़ का कपड़ा, तो वही मम्मी शॉपिंग कर रही है। आप यहाँ अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का रेट थोड़ा हाई बोलते हैं शॉप वाले, तो आप अपने हिसाब से यहाँ बार्गेनिंग कर सकते हैं। अप टू जितना भी यहाँ पे रेट होता है, अप टू 50% डिस्काउंट हो सकता है, बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के शॉप वाले रेट बहुत हाई बताते हैं, बट आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर सकते हो। और जैसे कि आपने इयररिंग देखा, उसके भी कलेक्शन अच्छे अच्छे थे, सब्जी मंडी, बहुत सारे चीज़ें यहाँ आपको मिल सकती हैं। और ये है पुराना बाज़ार का चौपाटी, जहाँ पे अगर आप शॉपिंग करने के बाद आपको भूख लगे तो यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल सकते हैं खाने को। और इसकी टाइमिंग होती है शाम में 4 बजे से रात 10 बजे तक की। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ का ये फेमस है, धनबाद में बहुत फेमस है चौपाटी। आप लोग अगर आओ तो यहाँ ज़रूर आओ खाना खाने, ये स्ट्रीट फूड है, यहाँ पे बहुत तरह का स्ट्रीट फूड मिलता है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा ये है। और इसी रूट में आगे जाकर हमारा भी शॉप पड़ता है, और दीदी को भी ATM से पैसा निकालना था, तो वो ATM से पैसा निकालने गई थी, बनने तो बन रहा है ना, और अभी हम पकौड़ा ले आप लोग भी कभी आओ तो ये स्ट्रीट वाले पकौड़ा जरूर ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है, यम्मी होता है। और ये आपको मिल जाएगी पॉपुलर के पास, मिल जाएगी ATM के जस्ट अपोजिट। तो आप लोग
देख सकते हैं यहाँ काफी अच्छे अच्छे शॉप है कि निकले जाते और ये एक धनबाद का ऐसा मार्केट है जहाँ आपको एक टू जेड सामान मिलेगी, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम जा रहे हैं अपने शॉप पे, क्योंकि मेरा शॉप भी यहीं पे है। तो अब हम पढ़ते हैं क्योंकि इनके लिए हम लोगों ने पकौड़ा लिया था, तो वो अब हम लोग इन्हें देने जा रहे हैं। दीदी उन्हें बुला रही है, वो नीचे बैठे हुए थे और वो शॉक्ड हो गए थे मुझे देख कर। ये है हमारा शॉप और ये मेरा शॉप है क्विक कॉफी। अगर आप लोग धनबाद हैं तो प्लीज़ यहाँ विजिट जरूर करें। हर एक तरह का कस्टमाइज सामान यहाँ बनाया जाता है, कुछ बनवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। और ये धनबाद का इसको हम लोग पहला ऐसा शॉप है जो खुला है कस्टमाइज का। पुराना बाजार चटनी गिरेगा अच्छे से खा लेना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे कस्टमाइज होती है, कस्टमाइज बनाई जाती है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ जरूर आए। जितने व्यूवर्स हैं प्लीज़ आप लोग जरूर आए। अब हम लोग चल रहे हैं आज शॉपिंग के लिए, कुछ सामान हमने ले लिया था और कुछ सामान बचे हुए थे और शाम भी हो रहे थे तो हमें थोड़ा जल्दी शॉपिंग करनी है। तो शाम का नज़ारा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और शाम होते ही यहाँ पे भीड़ भी बहुत हो जाती है। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ईद चल रही है तो अभी इफ्तार का समय था, इसके वजह से थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन 7 बजे के बाद यहाँ भीड़ काफ़ी हो जाती है। और ऐसे नॉर्मल डे में तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है शाम 4 बजे के बाद कि यहाँ चलना बहुत मुश्किल होता है। आप देख सकते हैं ईद की कितने अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं। हम लोग थोड़ा शाम में ही गए थे और इफ्तार का भी समय था, इसलिए थोड़ा भीड़ कम था, लेकिन अब धीरे धीरे आप सब देख सकते हैं कि भीड़ बढ़ रही है और बच्चों के लिए खिलौना वगैरह हर एक चीज़ अवेलेबल होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कॉटन कैंडी भी बच्चों लोग का फेवरेट होता है और कुर्ती वगैरह देखिए काफ़ी अच्छा अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है। हमारे झारखंड में इसे बुढ़िया का बाल बोला जाता है, आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है प्लीज़ ज़रूर बताना। बच्चा का है और ऐसे आपके डेली यूज़ में छोटे छोटे मोटे यूज़ के केक वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे आप लोगों को, जो 5 रुपये से स्टार्ट होती हैं और आपको जिस जैसा सामान लेना है वैसे आप लोग ले सकते हैं। तो अभी मम्मी को केक वगैरह लेना था तो मम्मी ले रही थी। और यहाँ छोटे मोटे हैंकी भी आप ले सकते हो जो 10 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। हम लोग को थोड़ा स्ट्रीट साइड का ही शॉपिंग करना था, इसलिए हम लोग स्ट्रीट साइड का ही व्यू आप लोग आज दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी गर्मियां हैं तो गर्मी का ही कपड़ा हम लोग ले रहे थे। और ये सब 150 से स्टार्ट होते हैं ट्राउज़र, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लिप लेना है ऐसे ही और शॉप था जैसा मैंने अभी तुरंत आपको दिखाया, बहुत बड़ा छोटे मोटे जरूरत के सामान कैसे दे रहे हैं आएंगे? ये 10 रुपये में दीजिए ना। और ये बहुत रिजनेबल रेट में आपको मिलेंगे, बस आपको बार्गेनिंग आना चाहिए। अगर आप बार्गेनिंग कर लेते हो तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे रेट में यहाँ से ले जा सकते हैं। और ये इयरिंग आपको यहाँ पे मिलेंगी 30 रुपीज़ में, तो ये जस्ट परिवार के सामने लगाता है ये। आप कभी भी पुराना बाजार आओ तो परिवार शॉप है ये, उसके सामने होती है, तो अच्छे अच्छे कलेक्शन होते हैं। तो आप प्लीज़ आइए और जरूर यहाँ से खरीदिए, कोई भी इयरिंग लीजिए वो 30 रुपीज़ के होते हैं। अब हम लोग गाइस धीरे शाम हो चुका है हम लोग, और मम्मी फ्रूट ले रही थी क्योंकि गर्मियाँ आ गई है ना तो फ्रूट बहुत ज़रूरी होता है लेना नहीं। और हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, हमारी शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शादी का भी सीज़न चल रहा है तो शादी का भी बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है,
और ये है पानी टंकी पुराना बाजार। इधर साइड आपको मिठाई के शॉप वगैरह भी अच्छे अच्छे मिल जाएंगे और शादी का जितना भी सामान होता है ये आपको पानी टंकी के पास ही मिलेगा। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं ऑटो में बैठने, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी तो अब हम लोग थोड़ी देर में ऑटो में बैठेंगे फिर घर के लिए भी निकलेंगे। और यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे सीनरी वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो गाइस अब हम बैठ चुके हैं ऑटो में और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और बीच में भी हम लोग को आराध्या को ट्यूशन छोड़ने के लिए गए हुए थे तो रास्ते में हमें आराध्या को भी पिकअप करना है, तो वो चलो मिलते हैं आराध्या को लेने के बाद। अब हम लोग वेट कर रहे हैं, मम्मी गई है आराध्या को लेने, तो अब आराध्या को लेकर आ रही होगी। हम मोदी जी बैठ कर वेट कर रहे हैं और मम्मी आ गई है आराध्या को लेकर। अब हम लोग घर की ओर निकलेंगे। मम्मी रोड क्रॉस कर रही है, अब ऑटो में बैठेंगे। ये सब जगह दुकान मिल जाता है। मामी ने ब्लॉग स्टार्ट कर चुका है। गाइस तो यहाँ पे माता रानी की न्यू मूर्ति स्थापित हुई थी, उसी के अवसर पर यहाँ पे जागरण हो रहा है। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।